हेलो गाइस, मैं हूँ पीयूष और आज मैं आया हूँ भाई किया की डीलरशिप के पास, जो कि भाई बड़कल फरीदाबाद में है और ये सबसे बड़ी डीलरशिप है NCR के अंदर। और यहाँ मैं दिखाने वाला हूँ आपको किया सेल्टॉस। ये भाई HTK प्लस वेरिएंट है जो कि डीजल के अंदर, इससे ऊपर और ज़्यादा GTS आता है, GTX आता है। और भाई ये जो गाड़ी है इसके अंदर सारे लोडेड फीचर्स आपको मेनली देखने के लिए मिल जाते हैं। फीचर्स की बात करूं, क्या क्या देखने के लिए मिलता है, सामने आप देख रहे हैं भाई किया सेल्टॉस। ये गाड़ी मैं दिखाता हूं किस प्राइस रेंज के अंदर आती है, क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता है, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी किया सेल्टॉस की की, जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाला है लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का भी फीचर्स। होल्ड करिए, बूट ओपनिंग आपने यहाँ ऑन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिकल नहीं है, हाइड्रोलिक नहीं है, ऊपर हो जाएगा स्टार्ट थोड़ा सा। यहाँ पे आपके लिए पूरी गाड़ी लॉक करने के लिए एक अलग से दिया गया फंक्शन, और ये होल्ड करने से आपके मिरर जो है विंडो के वो डाउन और अप हो जाएंगे। तो भाई इस टाइम मैं खड़ा हूँ जैसे कि किया सेल्टॉस की डीलरशिप पे, तो यहाँ पे ये गाड़ी भाई जी प्राइस रेंज में आती है 13.5 लाख रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। ये भाई डीजल वेरिएंट 1.5 लीटर का डीजल वेरिएंट है, और ये भाई टॉप वेरिएंट नहीं है, इससे पहले HTE आता है, HTX आता है, HTE प्लस आता है, HTK आता है, HTK प्लस आता है। 8 वेरिएंट सेल्टॉस के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। सामने आप देख रहे हैं किया की बैजिंग और बिल्कुल अच्छी क्रोम फिनिशिंग के साथ गाड़ी देखने के लिए मिलती है। सामने जो ग्रिल दे दी जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम पियानो ब्लैक फिनिशिंग नहीं बोलूँगा, मैट फिनिशिंग के साथ आपको ग्रिल मिलेगी, और बहुत ही चीज़ें अच्छी बिल्कुल सिल्वर कनेक्टिंग के साथ एकदम बिल्कुल अच्छे नीचे वाले बम्पर को आप देखेंगे ना, डुअल टोन के साथ आती है भाई, ब्लैक फिनिशिंग के साथ भी। यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई किया सेल्टॉस की हेडलाइट में कुछ DRL प्रोजेक्टर देखने के लिए मिलेंगे, जो कि भाई नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे आपको कोई हेलोजन बल्ब देखने के लिए नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई हाई बीम, यहाँ पे आप अपने टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे फॉग लैंप के लिए भाई हेलोजन बल्ब दिया गया है। इससे ऊपर वाले वेरिएंट में अच्छी खासी एक LED लगाई जाती है लंबी, और आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई एक DRL यहाँ जलने वाली है बहुत अच्छी खासी। और जो भाई इसकी बात करूँ मैं, टायर ग्रिप के प्रोफाइल की बात करूँ, यहाँ पे आपको 205/65R16 इंच वाला आपको अलॉय व्हील इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ क्रोम डिस्क देख रहे हैं, कितनी तगड़ी बेहतरीन लग रही है, मेरे को मज़ा आ रहा है। क्लाइडिंग एरिया भी ब्लैक अच्छा खासा है। ORVM पे आपको इंडिकेटर मिलता है। फ्रंट रैक आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, शीशे अभी ओपन है गाड़ी के भाई। तो पीछे से देखिए, पीछे से आपको ओवरऑल लुक दिखाता हूँ भाई गाड़ी की कैसी लगती है। ये है गाड़ी की ओवरऑल लुक। तो भाई गाड़ी इस टाइम शार्क एंटीना के साथ हाई माउंट स्टॉप लैंप, वाइपर भी आपको मिलता है, डी फॉगर वाला मिरर मिलने वाला है, फ्रंट भी रियर भी, स्टॉप टेलिंग लाइट में अंदर आपको कोई भी हेलोजन बल्ब एक रिवर्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको LED जलेगी पूरी लंबी, और यहाँ पे आपके लिए इंडिकेटर्स की लाइट। यहाँ पे कुछ मैं देखूँगा भी क्या जलता है। बूट स्पेस की बात करूँ, अच्छा खासा बूट स्पेस इसके अंदर दिया गया है। अभी इसकी मैं बात करूँ, बूट स्पेस इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा गया है, 433 लीटर का बूट स्पेस इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और भाई इंजन की बात करूँ, 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जैसे कि इसकी जो मैं BHP की बात करूँ, 113 BHP ये निकालने वाला है 250 Nm के टॉर्क के साथ, बहुत अच्छा रनिंग करने वाला है। अगर आप डीजल के बहुत अच्छे फ़ैन हैं, अच्छा पुश चाहते हैं, अच्छी ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, रिक्वेस्ट बटन को ओपन करते हुए गाड़ी को करते हैं ओपन। नीचे से दिखाता हूँ भाई गाड़ी की पूरी हाइट एडजस्टेबल जो है इसकी कितनी है। एक SUV होते हुए, एक मैं बोलूँगा ये रियल SUV नहीं है, कॉम्पैक्ट SUV में हम लाएँ अगर हम इस गाड़ी को, बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। एक देखिए ये जो है ना, ये भाई कंपनी रखती है केयर के लिए, पियानो ब्लैक फिनिश पे कितनी अच्छी केयर करी गई है, ताकि ये स्टॉक यार्ड में जो खड़ी रहती हैं बहुत ख़राब हो जाती हैं अंदर से। हाइट एडजस्टेबल आपको देखने को मिलता है, लंबर एडजस्टेबल आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आप अपने फ्यूल टैंक को ओपन कर सकते हैं। कुछ और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे भाई गाड़ी की बात करूँ, ये देखिए बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ, इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी नहीं बोलूँगा किया वालों की, पर बहुत एक स्लीक सी बिल्ड क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि भाई मारुति के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली। बहुत अच्छी पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी के साथ दिया गया है। गियर नॉक आपको 5-6 गियर ट्रांसमिशन के साथ, रिवर्स गियर जो है आपको आगे लगा के जैसे भाई स्कोडा में लगता है पुश करके नीचे, बट इसको लेवर को ऊपर थोड़ा सा उठा के आपको लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको AC के नॉक मिलेंगे, थोड़े पुराने से लग रहे हैं भाई, अच्छे खासे अगर किया रख सकती थी इनको डिजिटल वो भी हो सकता था और ज़्यादा अच्छे लगते,
जैसे भाई XUV 300 के अंदर आते हैं। यहाँ पे 12 वोट का USB चार्जर मिलने वाला है, आपको मिलने वाली है थोड़ी IRVM मैनुअल जो कि ऑटो में नहीं है, वही सिंपल वाली लाइट। यहाँ पे आपको मिलने वाला ग्लास होल्डर, सनग्लासेस होल्डर। सनशेड्स की बात करूँ, सनरूफ के अंदर टिकट होल्डर है, कोई भी मिरर नहीं देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे एक मिरर देखने के लिए मिलता है। भाई गाड़ी के अंदर मैं अगर ट्विटर की बात करूँ, ट्विटर आपको एक ट्विटर यहाँ देखने के लिए मिलता है, एक ट्विटर वहाँ देखने के लिए मिलता है। चार स्पीकर कंपनी की ओर से मिलते हैं। स्टेयरिंग व्हील पे हम आपको आगे वाला एक बूफर, बहुत तगड़ा आवाज़, साउंड क्लैरिटी आपको निकलने वाली है। और भाई क्लस्टर के एरिया की बात करूँ, यहाँ पे आपका जो भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इतने इंच का ये शायद 10 से 11 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पे बटन कुछ लगाए गए हैं जो कि थोड़ा सही लग रहा है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, एंटर ट्यून फाइल्स, वॉल्यूम अप डाउन, पावर पुश, यहाँ से आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को बंद कर सकते हैं। AC वेंट भाई पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, क्रोम लाइनिंग भी दी गई है। यहाँ पर आपको भाई पार्किंग इंडिकेटर दिया गया है। क्लस्टर एरिया में बात करूँ, 6000 RPM के साथ विद टेम्परेचर कंट्रोल, एंड भाई फ्यूल के लिए आपको एक सुई दी जाती है, और स्पीडोमीटर के लिए बीच में एक MID दी जाती है छोटी सी। यहाँ पे भाई स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल्स की बात करूँ, यहाँ पे कुछ मोड दिए जाते हैं, जैसे कि आपको देखने के लिए मिलता है क्रूज मोड भी आपको मिलेगा भाई, कैंसल, रिवर्स, यहाँ पे ओके, और यहाँ पे आप अपने भाई कॉल को पिक कर सकते हैं, काट सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे डिज़ाइन में अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ हैं। यहाँ पे आपकी किया की बैजिंग बहुत अच्छा ऑन, यहाँ एयरबैग की बैजिंग, यहाँ पे आपको क्रोम की डी कट में नहीं मिलता है भाई, गोल मिलता है। ये एक और बुरी बात किया के अंदर देखने के लिए मिली। तो मैं बात करूँ डी फॉगर की, आपको डी फॉगर भी मिलता है, आपको ये जो भाई टिल्ट कंट्रोल भी मिलता है, टेलीस्कोपिक आपको नहीं देखने के लिए मिलना है, ओनली भाई ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेग रूम बहुत अच्छा है। और भाई गाड़ी की बात करूं, गाड़ी मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगी, एज अ बैठने के पर्पस से मैं बात करूं, आके ड्राइविंग एक्सपीरियंस से। अगर इस गाड़ी को मैं कुछ लंबे टूर पे ले जाने वाला हूं, तो आई नो मेरे को कोई थकावट फील नहीं होने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका जो भाई अंडर थाई सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पीछे की बात करूं, रियर सीट्स की बात करूं, मैं एक AC वेंट आपको देखने के लिए मिलता है, रियर सीट्स पे भी आपको कोई भी अच्छा। एक चीज़ और मेरे को बुरी लगी, जो पीछे वाले जो भाई हेड रेस्ट हैं वो बिल्कुल इससे टच हुए हुए हैं, निकाल नहीं सकते आप। और कुछ ऐसे बात करूं, कंपनी आपको विंडो सीट्स भी देती है, जैसे आपको एक्सेसरीज़ में यहाँ देखने के लिए मिलेंगे मिरर पे। कुछ ऐसी चीज़ भी है इस गाड़ी के अंदर जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जैसे कि इसका स्पेस, इसमें स्पेस बहुत अच्छा खासा है, ड्राइवर और कंडक्टर के बीच में बहुत अच्छा खासा स्पेस देखने के लिए मिलता है। आर्मरेस्ट आप देख रहे हैं, इस आर्मरेस्ट के अंदर अच्छा खासा स्पेस मिलता है। चार्जर कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलती है, यहाँ पे आप अपने कुछ कप होल्डर रख सकते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक, यहाँ पे आप अपने अपने कीलेस एंट्री की रख सकते हैं। की कुछ ऐसे देखने के लिए मिलती हैं भाई किया की बैजिंग के साथ, बहुत हैवी की है, मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत हल्की की है, जो आती है आजकल ग्लेंजा में और होंडा की सिविक में मैंने देखी, बहुत हल्की की है। और ये जो गाड़ी है ORVM फोल्ड भी कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिकल फोल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं यहीं से। और भाई चारों पावर विंडो विद रियर में भी आपको बटन देखने के लिए मिलते हैं। गाड़ी बहुत ज़्यादा सही है, स्लीकी है, डिज़ाइन अच्छा शार्प है। आप अगर इसको रोड प्रेजेंस की बात करूं, बहुत अच्छा रोड प्रेजेंस देने वाली है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर SUVs। और मैं अगर दूसरी SUVs की बात करूं, जैसे कि आप किया को अगर किसी और गाड़ी से कंपेयर करते हैं, लाइक आप XUV 300 से कंपेयर करते हैं, XUV 300 में एक चीज़ बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है, वो आपकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप रनिंग स्पेस, रनिंग चीज़ की बात करें, ये कहीं से कहीं तक आपको जीतने नहीं देने वाली XUV 300 को। बात करूं दूसरी और गाड़ी की, इसी प्राइस रेंज में विटारा ब्रेज़ा की, विटारा ब्रेज़ा की जो ऑटो सेल रीसेल वैल्यू है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम है, सर्विस चार्ज इसका बहुत ज़्यादा कम है। किया वालों की सर्विस, किया वालों की बातचीत, किया वालों का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ब्रांड। टोयोटा और किया का मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ब्रांड्स, ताकि वो मारुति ही क्यों ना हो। इनका जो रूडली नेचर नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही जो सॉफ्ट पोलाइटली बात ये करते हैं, आप आइए बहुत अच्छी सर्विस देने वाले हैं। बड़कल मोड़ पे ये एक आपकी डीलरशिप है, बहुत अच्छी डीलरशिप है, बहुत बड़ी डीलरशिप है, हर गाड़ी आपको देखने को मिलेंगी। नीचे आप देख रहे हैं किया कैरेंस भी आपको खड़ी मिलेंगी,
ये देखिए गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे कुछ आप देख रहे हैं वाइट फिनिशिंग के साथ, ये हटा देंगे भाई। ये स्टॉक यार्ड में जब गाड़ी खड़ी रहती है थोड़ी धूप कंट्रोल करने के लिए, चीज़ें ख़राब ना हो रखी जाती हैं। मारुति नहीं है ये, किया है। तो भाई ये एक कोरियन ब्रांड विद होंडाई के प्लेटफॉर्म पे बनने वाली है, जिस प्लेटफॉर्म पे भाई क्रेटा बनती है, जिस प्लेटफॉर्म पर वेन्यू बनती है, उसी प्लेटफॉर्म पे ये बनने वाली है, और बनने वाली ही नहीं है, बनती है। तो भाई, भाई पीछे सनशेड भी है, पीछे सनशेड्स भी मैंने बता दिया, एक्सेसरीज में आपको मिल देखने के लिए बिल्कुल मिलेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन दिए गए हैं। ये देखिए कोई और कंपनी आपको ऐसे बिल्कुल डिज़ाइन नहीं देती है। तो कुछ ऐसी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि और कंपनियाँ बस एक सिंपल इंटीरियर बनाती हैं, बहुत अच्छा स्पेस नहीं देती हैं। ये गाड़ी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ब्रांड्स विद SUVs। और यहीं पे मैं बात करता हूँ किया सेल्टॉस की, और गाड़ी हम लाने वाले हैं बहुत अपने चैनल पे, कुछ ऐसे थग रेस भी करने वाले हैं। और इसका बूट स्पेस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, चलिए। तो भाइयों दर्शकों मेरे, तो यहाँ पे बूट स्पेस आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, क्योंकि गाड़ी की जो की है ना वो अनचार्ज है, बिल्कुल भी बैटरी नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ इसका इंजन, इंजन की बात करें बहुत अच्छा इंजन देखने के लिए मिलता है, बहुत कवर्ड इंजन मिलेगा, क्योंकि भाई ये कोरियन ब्रांड है, जैसे कि होंडाई के साथ है, होंडाई की ही ब्रांड है। बहुत अच्छी चीज़ें इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी। चलिए यहाँ आपको देखने को मिलता है भाई फ्यूज़ बॉक्स, यहाँ आप अपने फ्यूज़ को देख कंट्रोल कर सकते भाई। यहाँ आपको मिलती है किया की बैजिंग बहुत अच्छी देखने के लिए, बोनट ओपन करके दिखाता हूँ। बहुत अच्छा CRDI 16 वॉट का इंजन, 16 V का इंजन आपको देखने को मिलता है विद पिंक कूलेंट के साथ। डीजल इंजन है इसलिए आपको पिंक कूलेंट मिलने वाला है, 4 सिलेंडर इंजन है, बहुत अच्छा भरा भरा इंजन है। इंजन ऑयल आप यहां से कर सकते हैं, कवर्ड इंजन है, विटारा ब्रेजा में आपको कवर्ड नहीं मिलेगा। इंसुलेशन देख रहे हैं कितनी अच्छी इंसुलेशन करी गई है किया की तरफ से, और अच्छी फ्यूज़ बॉक्स, अच्छी बैटरी दी गई है, बड़ी बैटरी दी गई है, कवर्ड बैटरी दी गई है, हर चीज़ आपको देखने के लिए बहुत भरा भरा अच्छा इंजन लगेगा। देखिए छोटा इंजन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा भाई, और जैसे कि डीजल इंजन है, मैं तो फ़ैन हूँ डीजल का। इसके अंदर भाई इंजन कवर भी, इंजन गार्ड भी लगाया गया है, इंजन बिल्कुल पैक है एकदम, कहीं से कहीं तक भी भाई पानी नहीं घुसने वाला है, चूहे नहीं घुसने वाले हैं, बहुत अच्छा रेडिएटर फ़ैन दिया गया है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ भाई किया सेल्टॉस की, ये होती है हमारी वीडियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।